हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं हाजिर हूँ दूसरी वीडियो के साथ ऑन द सेम टॉपिक आर्बिट्रेजिंग। आज मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिटेल्स में बताऊंगा और बेसिकली आज का जो टॉपिक होगा, मैं इनकी क्रिप्टो करेंसी, इनका जो खुद का कॉइन है जिसका नाम एबॉट है, उसको मैं आज एक्सप्लेन करूंगा आपको, जो आर्ब कॉइन है। ठीक है, मैं आज उसको एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को और उसके बारे में कुछ डिटेल्स बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आर्बिट्रेजिंग के बारे में मैं आपको उस दिन समझा चुका हूँ, ठीक है, जिसमें आपको मैं काफ़ी हद तक आइडिया दे चुका था कि सेम एसेट के डिफरेंट एक्सचेंज पर डिफरेंट प्राइसेस जो होते हैं, उधर ट्रेड करके प्रॉफिट लेना, उसको आर्बिट्रेजिंग कहते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताता चलूँ इनके खुद के कॉइन जिसका नाम है आर्ब कॉइन के बारे में। बेसिकली उसकी जो प्राइस है वो एक आर्ब जो है वो 32 सेंट्स का है आज की वैल्यू के मुताबिक, जो कि इथेरियम में 0.002531 गैस सतोशी बनते हैं। ठीक है, और इस साइट के ऊपर 47,942 ट्रस्टेड यूजर्स हैं। ठीक है, ये फिगर अपडेट होता रहता है, मे बी अब कुछ ज़्यादा हो गए होंगे, थोड़े थोड़े टाइम बाद अपडेट होता है फिगर जो है। ठीक है, इसके अलावा इस वेबसाइट पे अपॉर्चुनिटी जो है, एवरी डे देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मार्केट ट्रेडिंग बिलियंस ऑफ डॉलर इन द क्रिप्टो करेंसी सेक्टर, देयर आर ऑलवेज प्राइस डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिंग एक्सचेंजेस एंड प्रॉफिटिंग फ्रॉम दोज ट्रेड इज कॉल्ड आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। जैसा कि मैं आपको उस दिन समझा चुका हूँ, इन्होंने वो छोटी सी चार लाइनों के अंदर समझाया हुआ है कि बिलियंस ऑफ डॉलर की रोज ट्रेडिंग होती है थाउजेंड्स ऑफ एक्सचेंज पर। ठीक है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब जगह सेम प्राइस हो, लाजमी है कि क्योंकि हर जगह अलग अलग मेंबर्स ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं और हर कोई अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग करता है, तो जितने प्लेटफॉर्म्स होंगे उतने ज़्यादा यूजर्स हैं, उतनी ज़्यादा ट्रेड्स हो रही हैं और उतना ही प्राइस डिफरेंस होगा। तो न्यू एक्सचेंज एंड मार्केट अराइव कॉन्स्टेंटली मेकिंग आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज मोर एंड मोर कॉमन। ओके, रोज नई एक्सचेंजेस आती रहती हैं, रोज नई मार्केट्स बनती रहती है, रोज नई क्रिप्टो करेंसीज आती रहती हैं, तो जितने ज़्यादा एक्सचेंज होंगी, जितनी ज़्यादा ट्रेड्स होंगी, उतनी ज़्यादा आर्बिट्रेजिंग के मौके मिलते हैं और प्रॉफिट गेन करने के। अब मेन प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, अब इन्होंने यहाँ प्रॉब्लम एक्सप्लेन किया हुआ है। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज ऑन द प्रॉफिट ऑफ मैनुअल क्रिप्टो करेंसी आर्बिट्रेज, अ पर्सन मस्ट हैव डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट एंड मॉनिटर हंड्रेड ऑफ आर्बिट्रेज ट्रेड अपॉर्चुनिटीज व्हाइल हैव अ मेथड टू क्विकली एक्ट अपॉन द आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज व्हेन दे आर प्रेजेंटेड मेकिंग विदाउट मेकिंग एनी एरर्स। अब प्रॉब्लम यह है कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए, जैसे कि आप हैं, ठीक है, आपको अब आर्बिट्रेजिंग के बारे में इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, ठीक है, तो मोस्टली लोग मिस्टेक्स ये करते हैं कि एक जगह ले के दूसरी एक्सचेंज तक जब पहुंचते हैं उसमें इतना टाइम ज़ाया कर देते हैं या एनालाइज करने में मिस्टेक कर देते हैं, उतनी देर में वो प्राइस वहीं पर आ गई होती है उस कॉइन की जिन्होंने यहाँ पर जितने का लिया होता है, तो वो प्रॉफिट का मौका जाया कर देते हैं और उल्टा जो एक्सचेंज से एक्सचेंज ट्रांसफर करने में फीस भी बर्बाद कर देते हैं, उल्टा प्रॉफिट लेने की जगह लॉस कर लेते हैं और डिसहार्ट हो जाते हैं कि यार कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो मेन प्रॉब्लम यह है जिसकी वजह से अब बताने में कितना आसान लग रहा है कि एक एक्सचेंज पे लिया, दूसरी एक्सचेंज पे सेंड करके सेल कर दिया, प्रॉफिट हो गया, लेकिन ये सिर्फ बोलने में आसान है। जब हम ये काम करने जाते हैं तो इसके अंदर बड़ी एनालाइजेशन होती है, देखना पड़ता है कि वॉल्यूम्स क्या हैं, ट्रेड्स कितनी हो रही है, बाय वॉल कितनी है, सेल वॉल कितनी है, ट्रेड वॉल्यूम कितना है, हर चीज़ चेक करके फिर फैसला किया जाता है कि कौन सा कॉइन बाय करने का एडवांटेज है और किस एक्सचेंज पे जाके सेल करने का एडवांटेज है। तो ये एक न्यू पर्सन या एक तरह से एक नॉर्मल पर्सन के लिए इतना सारा एनालाइज करना आसान नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है इस चीज़ के अंदर। अब आगे देखते तो इन्होंने सोल्यूशन भी दिया हुआ है कि वी हैव बिल्ड बॉट्स दैट आर एबल टू रन 24 आवर अ डे एंड मेक इट सिंपलर देन एवर टू मॉनिटर क्रिप्टो करेंसी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज। आवर बॉट्स आर आल्सो केपेबल
of executing trades with a click of your mouse, making the process far faster and more efficient to compete. अब इन्होंने एक ऐसा बॉट बनाया है, ठीक है, जो 24 आवर रन करेगा, मतलब 24/7, 24 घंटे 7 दिन चलता रहेगा. तो अब जैसे आप और हम है, हम 24 घंटे तो नहीं जाग सकते, हमें सोना भी होता है, दूसरे भी काम होते हैं, फैमिली को भी टाइम देना होता है, तो हमारे लिए 24 आवर बैठ के मॉनिटर करना बहुत मुश्किल होता है. लेकिन बॉट तो कंप्यूटर है, उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है. तो वो 24 आवर इस चीज को देख सकता है और बाकायदा नोट कर सकता है कि किस वक्त कौन सी ट्रेड अवेलेबल है प्रॉफिट गेन करने के लिए. तो वो फिर उस हिसाब से उस ट्रेड को जस्ट क्लिक का माउस या ऑटोमेटेड ट्रेडिंग भी कर सकता है. ठीक है, अब वही है ए बॉट जो मैं आपको बताना चाह रहा था. ए बॉट जो है, अब इसके बारे में, सीमलेस ऑटोमेटेड आर्बिट्रेज, इधर हमारा कोई काम नहीं है. ठीक है, हमने ए बॉट में पैसे लगाने हैं. अच्छा, मैं आपको अभी बताता चलूं कि ये मैं फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ वीडियो रिकॉर्डर का, तो इसमें मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि मैं 10 से 15 मिनट से ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना सकता. तो अगर ये वीडियो कुछ लंबी हो गई तो मैं इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा. ठीक है, ओके. अच्छा, अब जो ए बॉट है वो सीमलेस ऑटोमेटेड आर्बिट्रेज, अब इसकी मैं थोड़ी सी डिटेल बताता चलूं कि वी हैव बिल्ट अ हाईली एडवांस आर्बिट्रेज बॉट दैट इज केपेबल ऑफ वर्किंग 24 आवर्स अ डे, क्रिएटिंग पैसिव इनकम डूइंग ऑल द हार्ड वर्क ऑफ कंप्लीटिंग द आर्बिट्रेजिंग प्रोसेस फॉर यू द मार्जिन. अच्छा, पहले मैं आपको ये समझा दूं कि ये इसमें ये बता रहे हैं कि इन्होंने एक बॉट बनाया है जिसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो 24 आवर अ डे वर्किंग कर सकता है और आपके लिए एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है बिना आपका टाइम दिए. मींस आपको टाइम नहीं देना, वो आपको बस बॉट रन होगा, वो आपके लिए ट्रेडिंग करेगा खुद ही और आपको वो प्रॉफिट देगा. द मार्जिन प्रोड्यूस बाय द ए बॉट सिंस पब्लिक इंसेप्शन हैव एवरेज अराउंड 0.7% अ डे. ए बॉट हैज नो लॉक्स, मीनिंग ऑल यूजर्स आर फ्री टू स्टॉप देयर ए बॉट एंड रिमूव देयर ट्रेडिंग वैल्यू एनी टाइम दे वांट. ओके, अब मैं आपको यहाँ तक समझा दूं कि ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो सॉफ्टवेयर बनाया है उसकी जो एवरेज इनकम है, एवरेज बताई है इन्होंने, फिक्स नहीं बताई, एवरेज जो इनकम है जो आपको ट्रेडिंग के जरिए जनरेट होगी वो तकरीबन 0.7% अ डे है. मतलब आप $1,000 से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल $1,000 से आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो $1,000 अगर आप इसमें लगा दें, ठीक है, आप ए बॉट के अंदर इन्वेस्ट कर दें, तो आपको फिर वो ऑटोमेटिक जो बॉट है वो $1,000 से ट्रेडिंग करता है और वो आपको उसके ऊपर प्रॉफिट देता रहता है, जो कि तकरीबन 0.7% जो है वो तकरीबन $7 के आसपास बनेंगे तकरीबन. जी बिल्कुल, $7 आपका पर डे बनेगा उसके ऊपर. तो ये इस तरह से है. तो अब वो $7 एवरेज बताइए. अब उसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपका $10 भी बन जाए, $5 भी बने, $6 भी बने, लेकिन एवरेज वो 7 पर ही रहता है. ए बॉट इज अ टूल ऑफ चॉइस फॉर यूजर्स हु लाइक to sit back and enjoy benefiting from the arbitrage margin completely hassle-free, eliminating the time, energy it takes for the trader to manually do all the work by themselves. अब जैसे मेरे जैसे लोग हैं, मैं अपनी एग्जाम्पल दूंगा खास करके, बहुत सारे ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार कौन मेहनत करे, कौन इतना टाइम दे, कौन उसके ऊपर एफर्ट्स करे. तो लोग चाहते हैं कि यार खुद ब खुद सारा काम हो जाए. जैसे मतलब एक आसान अल्फाज में जो मुहावरा है कि मुंह में निवाला देना, ठीक है, तो बड़े लोग इस तरह का साइकी रखते हैं, वो बोलते हैं कि यार इसके ऊपर टेंशन बहुत होती है. बेसिकली मेन काम है सारा कुछ एनालाइज करना, एनालाइज का बड़ा टेंशन होता है. तो इसमें यह है कि फिर इन्होंने इसको इस वजह से उन लोगों के लिए बनाया खासकर जिनको एनालाइज करने में प्रॉब्लम है, तो उनके लिए आसानी है कि बस वो पैसा लगा दे और ट्रेडिंग खुद ब खुद होगी ऑटोमेटेड, आप बैठ के बस प्रॉफिट एंजॉय करें. इसमें ये सारा गेम है कि इसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, और फिर आपने बैठ के सिर्फ अपने प्रॉफिट्स को ग्रो होते हुए देखना है
और आपका प्रॉफिट जनरेट होता रहेगा। ये सारा इसके अंदर, इन्होंने इस पिक्चर के अंदर एग्जाम्पल भी दी हुई है, जैसे कि इसने 20,000 नहीं है, 200,000 USD इन्वेस्ट हुए हुए, ठीक है, और ये एक्टिव है इस वक्त ए बॉट के अंदर, इसका मतलब ये ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है, और आज के प्रॉफिट के हिसाब से इसको 0.62% प्रॉफिट मिला है, ठीक है, तो उस हिसाब से इसको $276.94 सिर्फ आज के दिन का प्रॉफिट है, ठीक है, और ये ए बॉट की प्राइस इस वक्त $4.55 है, तो ये 0.62% प्रॉफिट है, और मंथली जो प्रॉफिट एवरेज है वो 22.83% है, जो ये नीचे चार्ट बना है उसके अंदर बाकायदा नजर आ रहा है कि किस हिसाब से प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो ये इसके अंदर एक छोटा सा दिखाया हुआ है। अच्छा, अब ये वीडियो मेरी हो गई है तकरीबन पूरी, टाइम पूरा हो गया है, मैं इसका पार्ट टू बनाऊंगा, उसके अंदर इसको कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि टाइम पूरा हो गया। मैं जल्दी इसका सॉफ्टवेयर का, जो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है उसका पेड वर्जन ले लेता हूँ, ताकि मैं लंबी वीडियोस भी बना सकूँ। तो मिलता हूँ आपसे पार्ट टू के अंदर, इसी के व्हाट इज अबॉट के अंदर, और फिर उसके अंदर मैं आपको मजीद डिटेल्स बताता हूँ इसकी। तो जब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।